कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव को लेकर सरकार हर कदम उठा रही है। अब 15 दिसंबर से शुरू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने पर फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है। दिल्ली में राज्य सरकार ने हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य है। एयरपोर्ट पर हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को दूसरे यात्रियों से अलग रखा जा रहा है। तो हाई रिस्क देशों में यूके समेत तमाम यूरोपियन देश हैं, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल इसमें शामिल हैं। तो आइए, एक खास मेहमान हमारे साथ सौम्या, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। चीफ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही पलों में और उन्हीं से बात करेंगे और इसी उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये वेरिएंट है, इस पर जिस तरह से राज्य सरकारें, केंद्र सरकार जिस तरह से इसमें लगातार एहतियात कदम उठा रही हैं, क्या माना जाए ये जो संक्रमण है इससे कितना सचेत रहने की ज़रूरत है। जो ताज़ा अपडेट इस बारे में है कि केंद्र सरकार की तरफ से 15 दिसंबर से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने वाली थी, फिलहाल उस फैसले को अभी टाल दिया गया है। उस पर कुछ ही दिनों में आगे विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल टाल दिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों ने मांग की थी कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खासतौर से हाई रिस्क देशों की तरफ से, उन पर रोक जरूर लगाई जाए, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना की दूसरी लहर में त्राही माम देश में फंस गया था, उस दौरान ये एक आरोप लगा था कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उन पर हमने जो रोक थी वो देरी से लगाई। तो इस बार सरकार उड़ानें शुरू करने पर जल्दबाजी नहीं कर रही है। 15 दिसंबर से ऐलान कर दिया गया था कि शुरू हो जाएंगी उड़ानें, लेकिन फिलहाल वो उड़ानें फिलहाल अभी सरकार ने वो टाल दिया है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हमें एक तरह से सटीक जानकारी दे पाएंगी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस वेरिएंट को लेकर क्या चर्चा है और ख़ास तौर से हमारे देश में किस तरह से जो फैसले लिए जा रहे हैं वो ठीक हैं और क्या और लिया जा सकता है, आम लोग क्या और कर सकते हैं जो इस वेरिएंट से हमें बचाव करता है। हालांकि अब तक ये कहा जा रहा है जो इस वेरिएंट के लक्षण हैं वो हल्के हैं, इस पर थकावट ज़्यादा महसूस होती है, खांसी जुकाम रहता है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या अगर इस तरह के लक्षण अभी फ़िलहाल शुरुआती बताए जा रहे हैं तो क्या हमें इसको हल्के में लेना चाहिए, या जिस तरह से सरकारें लगातार, केंद्र सरकार और तमाम सरकारें अपने हॉस्पिटल्स की व्यवस्था को एक बार फिर से अलर्ट मोड पर ला रही हैं, उसके क्या मायने हैं, क्या एक तरह से ये समय आ गया है कि एक बार फिर से हम बहुत कायदे में रहकर ही इस मामले पे आगे बढ़ें। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से चिंता तो हो रही है, कितना बड़ा खतरा इसे माना जाए? नमस्कार, और मैं दर्शकों को पहले ये बताना चाहूंगी कि ये ओमिक्रॉन वायरल वेरिएंट के बारे में पता लगाए कुछ ही दिन हुए हैं, 4-5 दिन हुए हैं। और सबसे पहले तो हम साउथ अफ्रीका के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको पता लगाया और सारे विश्व को बताया, उसके लिए हम सब आभारी हैं। अब 4-5 दिनों में इस वेरियंट के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं मिली है, अभी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे कई आंकड़े हैं जो जिसके बारे में हम और जानना चाहेंगे, क्योंकि वेरिएंट्स और ये वायरस का बदलना ये तो एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है। हमें मालूम है कि ये कोविड-19 जो सार्स कोवी-2 वायरस है उसके कई अभी तक वेरिएंट हम लोग देख चुके हैं, तो इसमें ज्यादा कोई ना सरप्राइज की बात है, आश्चर्यता की बात है, ना ज्यादा डरने की बात है, क्योंकि हमें अभी सावधान रहना है परंतु पैनिक नहीं करना है। तो अभी हम ये पता लगाने में कुछ 10-15 दिन और लगेंगे। पहली बात तो ये है कि क्या डेल्टा से ज्यादा अच्छी तरह फैलता है, या क्या क्या ट्रांसमिसिबिलिटी में एफिशिएंसी ज्यादा है इसकी, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा वेरिएंट जो है जिसने भारत में सेकेंड वेव में जिसकी वजह से इतना बड़ा सेकेंड वेव हुआ था और बाकी देशों में भी, वो अभी विश्व में 99% वायरसेस डेल्टा के हैं। तो अभी हमें ध्यान डेल्टा पर ही देना है, अभी पता नया वेरिएंट का भी पता लगा है। दूसरी बात हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जब ये बीमारी होती है, किसी को इन्फेक्शन होता है, क्या वो बाकी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक तो नहीं है? अभी तक नहीं लगता है कि ज्यादा खतरनाक है, पर अभी तो बिल्कुल शुरू शुरू में है, अभी तक कम से कम 200-300 केस ही उनके बारे में ही पता है, तो अभी और हमें वेट करना पड़ेगा। और तीसरा बहुत जरूरी प्रश्न ये होगा कि क्या ये वेरिएंट जो आजकल हम लोग
टीका यूज कर रहे हैं, वैक्सीन यूज कर रहे हैं, कई तरह के वैक्सीन दुनिया में अभी उपयोग में हैं, क्या वो वैक्सीन इस वेरिएंट के सामने भी काम करती हैं कि नहीं। तो तीनों प्रश्न के ऊपर काफी काम जोर से चल रहा है, WHO इसको कोऑर्डिनेट कर रही है ग्लोबल लेवल पर, और जैसे जैसे हमें और इसके बारे में जानकारी मिलेगी वैसे वैसे हम लोगों को बताते बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें संयम बरतने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है, जानकारी धीरे धीरे आएगी। ये शुरुआती जो जानकारी, भले ही कुछ कम केसेस आए, कहा गया कि जो इसके लक्षण है, वही दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर्स ने कहा है कि इसके जो लक्षण है वो हल्के हैं डेल्टा से, काफी अलग है, थकावट ज्यादा होती है, उस लिहाज से मैम अब तक क्या आंकलन है आपका? मैं दोबारा यही कहूंगी कि जो शुरू शुरू में जो पेशेंट देखे गए हैं दक्षिण अफ्रीका में, उसके आधारित पे हमें पूरी तरह से अभी नहीं कह सकते हैं कि पूरी जानकारी है, क्योंकि शुरू में जो केसेस वहां पे मिले हैं वो ज्यादातर जवान लोगों में है। एक यूनिवर्सिटी में क्लस्टर हुआ था, दो तीन जगह में जो क्लस्टर हुए थे वो ज्यादातर जवान पेशेंट थे। तो हमें पता है कि जो यंगर एज ग्रुप है, जवान होते हैं, उनमें जो है माइल्डर इलनेस होती है, थकावट, बुखार, सिर दर्द वगैरह। तो अभी तक बाकी देशों में भी कई जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें अभी तक कोई सीरियसली बीमार नहीं हुआ है, पर जैसे मैंने कहा कि अभी इसके जो आंकड़े हैं बहुत कम हैं, तो इसको लेके हम अभी ये नहीं कह सकते ये कि कम खतरनाक है ये डेल्टा से। तो अभी यही मान के चलें कि जो जो हमें अभी कोविड की बीमारी के बारे में पता है वो ज्यादा अभी तक नहीं बदली है। कुछ लोग इसमें कम बीमार होते हैं, कुछ लोग ज्यादा बीमार भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ये पूरी जानकारी आने तक। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि अभी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और जानकारी के लिए। तो इस समय फिर ऐसे में क्या टेस्टिंग बढ़ाना ये जरूरी हो जाएगा, क्या आप सुझाव देंगे प्रशासन को? ये एक्चुअली बहुत जरूरी प्रश्न आपने किया कि टेस्टिंग जो है उसका क्या महत्व है। तो टेस्टिंग के कई महत्व हैं। पहली बात तो ये है कि टेस्टिंग करने से ही एक देश को या एक राज्य को पता लगता है कि वहां पे एक्चुअली क्या सिचुएशन है, कोरोना का कितना फैला है, किस जगहों में फैला है, कहाँ पे क्लस्टर्स हो रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है और टेस्टिंग को हमें एक हाई लेवल पर रखना चाहिए। और WHO ने कहा है कि कम से कम 1000 में एक लोग का टेस्ट एक डेली बेसिस पर हो, मतलब ये बेंचमार्क है कि एक अगर 1000 लोग रहते हैं जगह में तो उसमें कम से कम एक टेस्ट रोज का हो, तो ये एक बेंचमार्क है। दूसरी बात ये है कि एक उसमें से जितने पॉजिटिव निकलते हैं उनके एक सैंपल को जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, जिसे होल जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, जिससे ही पता लगाया था कि ये वेरियंट ओमाइक्रॉन है, पहले के वेरियंट्स हैं। तो ये भारत में एक कंसोर्शियम है, इंसाकॉग, 25-30 लैब्स हैं देश भर में जो सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो काफी अच्छा सिस्टम बना हुआ है। तो उसमें सिर्फ ये अभी ध्यान देना पड़ेगा कि सैंपल अगर ज्यादा सीक्वेंस कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसे हमें एक्चुअली एक रोशनी डालती है इसके ऊपर कि देश में हो क्या रहा है। और दूसरा कि कुछ स्ट्रेटेजिक सैंपलिंग, जैसे कहीं पे एक क्लस्टर हो गया किसी कॉलेज में या किसी मॉल में, उस क्लस्टर को इन्वेस्टिगेट करके वहां सीक्वेंसिंग करें, तो उससे भी पता लगता है कि कोई नई चीज तो नहीं हो रही है यहाँ पर। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल जो नई दवाइयां निकली हैं ओमाइक्रॉन के लिए, आपको पता है कि ओरल मतलब मुंह से लेने वाली दवाइयां दो कंपनियों की बन रही हैं, उसमें भारत में भी कई कंपनियां बनाएंगी उस दवाइयों को। ये दवाइयां जो है तब काम करेंगी जब जल्दी से जल्दी इनको दें, जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ पहले 3 से 4 दिन के अंदर उनको अगर डायग्नोज किया जाए और उनके रिस्क फैक्टर्स अगर हों, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है, ऐसे व्यक्तियों को अगर ये दवाई दे तो ये सिवियरिटी बढ़ने से बचाएगा जी। पर उसके लिए डायग्नोस्टिक्स की बहुत जरूरत, अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो ये दवाइयां नहीं दे पाएंगे उन लोगों को जिन जो एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो इस वजह से मेरे ख्याल के सब राज्य डायग्नोस्टिक्स के ऊपर ध्यान दें और लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर ऐसे सिम्टम्स हैं जो कोरोना हो सकते हैं तो जाके टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि एक तो जानकारी प्राप्त होनी चाहिए सरकार को और दूसरी बात यह है कि ट्रीटमेंट भी तब सही तरीके से होगा जब पहले डायग्नोसिस ठीक तरह से हो जी। डॉक्टर सौम्या, कहा जा रहा है कि जो ये वेरिएंट है RT-PCR टेस्ट में पकड़ में आ रहा है, तो उस लिहाज से क्या हम लोग सक्षम हैं या कितने सैंपल्स, क्योंकि इसके बारे में फिर मैं जल्दबाजी आप कहेंगी कह रही हैं कि कहा ये भी गया कि बहुत जल्दी से फैलता है ये वाला वेरिएंट है,
इसमें ऐसे में क्या, क्योंकि जो केंद्र और राज्य सरकारें अपने हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की बात बार बार कह रही हैं, अगर ये आरटीपीसीआर में पकड़ा भी जा रहा है और ये तेजी से फैलता है, तो फिर क्या अलर्ट मोड पे हमें और क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसे कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहली बात आपने करी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और जो पीसीआर यूज करते हैं, तो ये अच्छी बात है कि जो स्टैंडर्ड पीसीआर उपयोग किया जा रहा है उससे ये इंफेक्शन को पकड़ सकते हैं, तो अच्छी बात है। अब पीसीआर जब टेस्ट करते हैं तो उसमें दो तीन एंटीजन यूजली देखते हैं, वायरस की एंटीजन, उसमें एक पर्टिकुलर जीन है एस जीन, और अगर उस पीसीआर टेस्ट में वो एस जीन को ढूंढा जा रहा है तो उसके रिजल्ट से पता लग सकता है कि क्या ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट है या नहीं। उसको एस जीन टारगेट फेलियर कहते हैं। तो वैज्ञानिक वो टेस्ट रिपोर्ट को देखने से पता कर सकते हैं, या लैब्स में जो टेक्नीशियंस देख रहे हैं उसे ये पता लग सकता है कि ये हो सकता है कि ओमाइक्रॉन हो। तो अभी तक जो टेस्ट यूज हो रही हैं, रैपिड टेस्ट और पीसीआर, वो काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि क्या क्या कदम उठाने हैं, ये टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, और दूसरा जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ाना चाहिए, और उसका उसका जो डेटा है वो रेगुलरली देखना देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली आजकल देख रहे हैं तो हर 2 घंटे में कोई देश बता रहा है कि हमारे देश के अंदर भी ओमाइक्रॉन पाया गया है, और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां 2 हफ्ते पहले के सैंपल उठा के टेस्ट किए गए तो उसमें भी ओमाइक्रॉन पाया गया। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने तो 24 तारीख को बताया हमें, बट ये लगता है कि 11-12 नवंबर के आसपास भी जो टेस्ट किए थे नेदरलैंड्स में वो पॉजिटिव निकले ओमाइक्रॉन के लिए, तो कुछ दिनों से फैल रहा है। तो इसीलिए WHO कहती है ये ट्रैवल बैन वगैरह जो हैं ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस हमसे आगे निकल चुका है, वो बिल्कुल, बहुत आपने बहुत बड़ी तेजी बात से कही फैल रहा है। कि वायरस हमसे आगे निकल गया। मैम, ये साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, लेकिन क्या इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ या कौन कौन से देशों में हो, इस बारे में क्या कुछ इंडिकेशंस मिले? आपने नेदरलैंड्स की बात भी की, जिक्र किया। जी, तो ये बहुत सही बात है कि ये साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ढूंढा गया और बताया गया, क्योंकि वो बड़े अलर्ट थे और उन्होंने देखा कि ये क्लस्टर्स हो रहे हैं, तो उन्होंने जाके वहां जीनोमिक सीक्वेंसिंग करी, और डॉक्टर्स के वहां के भी बड़े अलर्ट थे कि कुछ अजीब सा हो रहा है, क्योंकि उनके केसेस बहुत कम चल रहे थे और एकदम से उन्होंने देखा कि ये क्लस्टर कहाँ से आया, तो उसी तरह से उन्होंने पता लगाया। अब ये नहीं हम कह सकते कि साउथ अफ्रीका में ही ये वेरियंट शुरू से पैदा हुआ, ये कहीं भी हो सकता था, और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सब जगह उसे फैल सकता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जहां भी ये वायरस मतलब फैल रहा हो, एक से दूसरे को स्प्रेड हो रहा हो, तब उन जगहों में नए नए वेरिएंट्स निकल सकते हैं, म्यूटेशन निकल सकते हैं। तो इसलिए WHO कह रही है कि हर देश को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन कैसे बढ़ाया जाए, और स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स में, 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके बाकी डिजीजेस हैं जिससे रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं, वो जरूर 2 डोज वैक्सीन के लगाएं। ये सबसे अच्छा तरीका बिल्कुल है इससे बचने का। बिल्कुल मैम, मैं बूस्टर डोज से पूछूंगी, लेकिन अभी हाल में हमने देखा बैंगलोर में एक हॉस्टल में पहले 66 केसेस आए, फिर 182 हो गए, फिर ज्यादा हो गए। तो वैसे तो हमारे देश में नहीं है ओमिक्रॉन अब तक, जो कहा जा रहा है, जांच हो रही है, आपको क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? क्या यहां तक पहुंच गया हमारे देश तक ये वेरिएंट? नहीं, जब तक वो टेस्ट से नहीं पाया जाएगा तब तक तो हम नहीं कह सकते हैं कि पहुंच गया है, बट चांसेस तो हैं पहुंच गया होगा, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं हम 30 देश बता रहे हैं कि वहां पे वो पहुंच गया है, तो जी जैसे जैसे देश ढूंढेंगे वैसे वैसे केस मिल सकते हैं। बट अगेन, ये हमने पहले के भी वेरियंट्स देखे हैं, तो आपने क्लस्टर की बात की, तो इसलिए अभी दोबारा हम लोगों को ये भी कहना चाहेंगे कि सावधानी की जरूरत है, ये समय नहीं है कि हम लोग ढील दे दें, ये ढीला हो जाए, अभी सावधानी की जरूरत है। मास्क को ठीक तरह से पहने, सबसे अच्छा मेथड वही है प्रिवेंशन का, कि अगर हर आदमी ठीक और औरत मास्क ठीक तरह से पहने, मतलब ये नाक के ऊपर और ठोड़ के नीचे होना चाहिए, पूरी तरह से कवर होना चाहिए, और एक दूसरे से हो सके तो दूरी रखें, बाहर मिलें, अंदर भीड़ ना करें। अब शादियों के सीजन आ रहे हैं, तो ये मतलब हमें एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, बहुत बहुत कि शादी धन्यवाद जरूर मनाएं जी, परंतु ज्यादा भीड़ मतलब ना करें, क्योंकि बिल्कुल अपने लिए भी सुरक्षा की बात है और आपके मेहमानों के लिए भी।
बिल्कुल, बहुत ज़रूरी और अहम बातें आपने बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। वाकई में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इस पर अभी शुरुआती ही जानकारी मिली है। सचेत हमें रहना है, सतर्क हमें रहना है, और फिलहाल जिस तरह से डॉक्टर स्वामीनाथन का यही कहना है कि हमें बिल्कुल अपना ध्यान इस समय बना के रखना है, मास्क पहन के रखना है, और अगर ये वेरियंट जो है इसके एहतियात में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से उनका पालन करना है।